मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में, जहां आज हम अपने एक साथी क्यूब हॉलिक की डिमांड पर लाए हैं कुमाऊं एक्सप्रेस रेल हादसा। यकीनन कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो जिस समय हुए थे तब किसी भयावह सपने से कम नहीं थे, और आज समय की धूल के नीचे भले ही दब गए हों, मगर जब इनका जिक्र भी होता है तो आदमी सोचने को मजबूर हो जाता है। आज मैं अपने साथ आपको ले चल रहा हूँ 1950 के उस दौर में। कुमाऊं एक्सप्रेस अपने अंतिम दिनों तक ट्रेन नंबर 15311 कुमाऊं एक्सप्रेस, जो कि एक मीटर गेज ट्रेन रही है, चलती थी कासगंज से बरेली के बीच। ये दूरी मात्र 104 किलोमीटर थी, पर चीजें हमेशा से ऐसी नहीं थी। कुमाऊं एक्सप्रेस एक ऐतिहासिक ट्रेन थी जिसने मीटर गेज में अपनी पहली यात्रा तय की थी 1 जनवरी 1943 को, यानी अंग्रेजों के जमाने की ट्रेन थी, और तब इस ट्रेन का नंबर हुआ करता था ट्रेन नंबर 10 आगरा काठगोदाम एक्सप्रेस। सामान्य दिन में ट्रेन काठगोदाम से शाम 6:30 पर डिपार्ट होकर हल्द्वानी, लालकुआं, गोकुल नगर, रिचा रोड, भोजीपुरा, दोहना, इज्जत नगर, बरेली, बमियाना, घाटपुरी, उजहानी, कासगंज के रास्ते अपनी आगरा तक की पूरी यात्रा तय करती थी। ट्रेन बरेली से निकलकर कासगंज के रूट पर चल रही थी। ट्रेन अपने समय से लगभग 2 घंटे की देरी से चल रही थी। स्टेशन क्रॉस हुआ था बिट्रोली और अगला स्टेशन था काचला ब्रिज। ये एक 9 डिब्बों वाली मीटर गेज एक्सप्रेस थी। स्टीम हॉलिडे ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी। ट्रेन तेज रफ्तार में दौड़ती जा रही थी। ट्रेन के यात्री सो रहे थे। समय हो रहा था देर रात 1:40। ट्रेन काचला ब्रिज को क्रॉस करने ही वाली थी कि तभी अचानक कुमाऊं एक्सप्रेस के लोकोमोटिव और इसके 5 कोचेस डिरेल होके नदी के किनारे जा गिरते हैं। इस दुर्घटना में ट्रेन के फायरमैन की तो मौके पर ही मौत हो जाती है और ट्रेन का लोको पायलट बहुत बुरी तरह से झुलस जाता है। इसके बाद लोको पायलट का क्या हुआ इसका तो पता नहीं, पर जिस तरह से उसके जलने का जिक्र किया गया है उनका भी बचना मुश्किल ही था। इस हादसे में कुल 50 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं और 75 से ज्यादा यात्रियों को गंभीर चोटें आती हैं, जिसके बाद जांच में रेलवे की एक टीम लग जाती है और जांच के बाद आया कारण बहुत ही शर्मनाक था। जांच में पाया गया कि ये तोड़फोड़ और ट्रैक में छेड़छाड़ का मामला था। किसी ने ट्रैक में से रेल का एक बड़ा हिस्सा गायब कर दिया था। बहुत ही तकलीफ होती है ऐसे हादसे सुनकर। इस तरह की घटना घिनौनी है। आपसी द्वेष या आक्रोश या किसी भी कारणवश निर्दोषों की जान से खेलना बहुत ही वाहियात और वहशीपन है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब दीजिए इजाजत, जल्दी मिलता हूँ किसी और वीडियो, किसी केस स्टडी, किसी जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।